हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की ऑनलाइन क्लास में लेसन 9 जंतु ओमेक जनन। इसके लास्ट पहली क्लास में अपन ने लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा था। आज की पहली टॉपिक है अलैंगिक जनन। किसे कहते हैं अलैंगिक जनन, अपन पढ़ चुके हैं। ऐसा जनन जिसमें दो अलग अलग लिंगों की यानी नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक ही जनक होता है जो विभाजित होकर अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, तो अलैंगिक जनन। सेकंड टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं, ऐसी विधि जिसमें एक मातृ कोशिका होती है जो विभाजित होकर अपने समान संतान उत्पन्न करती है। तो इसकी पहली विधि है अलैंगिक जनन की, पहली विधि द्विखंडन जनन की, वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका संपूर्ण शरीर सहित दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और एक जीव से या एक जनक से दो संतान पैदा होती है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। जब दो से अधिक संतान पैदा होती है तो बच्चों उसे बहुखंडन कहते हैं। ये जनरली एक कोश के जीवों में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों जैसे अमीबा। ये एक मात्र कोशिका है, ये इसका केंद्रक विभाजित हुआ सबसे पहले, इसके बाद बाहर की कोशिका विभाजित होने वाली है, दोनों केंद्रक बट गए और एक जनक कोशिका से दो संतान कोशिका निर्मित होगी। ये एक जनक कोशिका थी और दो संतान कोशिका बन गई, तो ये है द्विखंडन। सेकंड विधि है इसमें मुकुलन, मुकुलन। इसमें भी एक ही जनक होता है, सबसे पहले विभाजन के द्वारा उस जनक कोशिका में उभार बनना शुरू हो जाता है, वो उभार धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगता है, उस उभार को मुकुल या बर्ड कहते हैं। फिर वह उभार अपनी मातृ कोशिका से कटकर अलग हो जाता है और एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ऐसा बच्चों हाइड्रा में देखा जाता है, हाइड्रा में इसी तरह का प्रजनन होता है। चित्र से आप लोगों को और समझ में आएगा। सबसे पहले विभाजन के द्वारा हाइड्रा में से उभार बनने लगते हैं, इसको कहते हैं हम मुकुल, मुकुल। ये उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ये उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर यहां से मातृ कोशिका से ये मुकुल बाहर निकल आता है और एक नया जीव, और इस तरह से एक संतान उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हाइड्रा में कोशिका विभाजन कर उभार बनता है, उभार के बाद ये उभार अत्यधिक विकसित होने लगता है और ये मातृ कोशिका से अलग होकर एक नया संतान को पैदा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग या क्लोन। किसी भी जीव के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से हूबहू सेम टू सेम फोटोकॉपी जीव को पैदा करना क्लोन कहलाता है। यानी जब कोई जीव पूरी तरह अपनी मातृ कोशिका की तरह दिखाई देता है जिसमें थोड़ा भी अंतर नहीं होता, वो पूरी तरह अपने मातृ कोशिका या जनक कोशिका का फोटोकॉपी होता है, हूबहू दिखता है, तो उसे हम क्लोन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। सबसे पहले क्लोन बनी थी डॉली नाम की भेड़ का निर्माण किया गया था, जो कि पहला क्लोन है। बच्चों इस तरह से आपके 9 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपका 10वां पार्ट शुरू हो रहा है, लेसन 10 किशोरों की अवस्था। 10वां पार्ट है किशोरों किशोरावस्था की ओर, ये आपका 10वां पार्ट शुरू हो गया है। बच्चों ध्यान देंगे कि क्लोनिंग का 9 पार्ट कंप्लीट हो गया है और नया लेसन स्टार्ट हो गया, लेसन 10 किशोरावस्था की ओर। किसे कहते हैं किशोरावस्था,
तो चूंकि मनुष्य में वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, कोई भी जीव जन्म लेता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो मनुष्य या जीव के बाल अवस्था के बाद परिवर्तन वाली अवस्था जिसमें लगातार बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देता है, उस अवस्था को किशोरावस्था। किसी भी जीव के बाल अवस्था या मनुष्य के बाल अवस्था के बाद की अवस्था जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में जीव के शरीर में, सोच में, आकार में, संरचना में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फिर है यौवन अवस्था। 18 वर्ष के बाद बाल की अवस्था को हम यौवन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उस व्यक्ति या उस जीव या उस मानव के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, उस परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले शरीर की लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं यौवन अवस्था के। शरीर की लंबाई में परिवर्तन, इस अवस्था में जीव के शरीर के आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई में परिवर्तन होता है। दूसरा है लड़कियों में परिवर्तन। यौवन अवस्था प्रारंभ होने में लड़कियों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथि का विकसित होना, त्वचा का स्मूथ होना और बालों का लंबा होना, आवाज का सुरीला होना। ऐसे ही लड़कों में भी यौवन अवस्था शुरू होने में परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे शरीर का, छाती का चौड़ा होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, आवाज का भारी होना और दाढ़ी मूंछों का निकलना। इसके अलावा क्रियाशीलता में भी परिवर्तन आता है, कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता यौवन अवस्था में ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति हर कुछ चीज़ को जानना चाहता है, सीखना चाहता है और उसके काम करने की ताकत, क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। इसके बाद जनन अंगों का विकास। यौवन अवस्था शुरू होने पे लड़के और लड़कियों में जनन अंगों का निर्माण होने लगता है। लड़कों में वृषण का निर्माण होने लगता है, शुक्राणु बनने लगते हैं और स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है, स्तन ग्रंथि विकसित होने लगती है और मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से यौवन अवस्था में परिवर्तन दिखाई देते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। थैंक यू।